अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आशा बिलाल, आप देख रहे हैं अपने चैनल आशा बिलाल ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। आप किस तरह घर में आसानी से बनाकर इसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, होममेड सॉस। चले मेरे टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे ना खाली बाउल, उसमें आपने तकरीबन 4 खाने के चम्मच आप इसमें ऑयल ऐड करेंगे और 2 मीडियम साइज़ के आपने इसमें प्याज कट कर आपने वो ऐड कर देने हैं और उनको 2 मिनट के लिए आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही आपने 3 क्लोव्स ले देने हैं आपने इसमें लहसुन के, और उनको ब्रिक चॉप कर आपने थोड़ा सा उनको भी फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने 5 टोमेटो लेने हैं, इनके बीज निकाल कर आपने ब्रिक चॉप कर आपने वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए आपने इनको अच्छे से पकाना है ताकि जो इसका पानी है वो थोड़ा सा खुशक हो जाए, इसको थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाए। फिर आपने इस पर 2 टीस्पून के बराबर आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर आप इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद आपने इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आप इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारी मिर्चें हैं, जो हमने चिली पाउडर हमने इसमें जो ऐड किया है वो अच्छे से इसके अंदर पक जाए, उसमें कच्चापन ना रहे और जो हमारा टमाटर है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आँच पर पकने के लिए छोड़ देना है। जब ये पक जाए, इसका जो पानी है वो खुशक हो जाए, जो ऑयल है वो अपने पानी जो है पानी खुशक हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तो फिर आपने इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आपकी जो 2 खाने के चम्मच आप इसमें जो है सोया कोई भी केचप आप इसमें ऐड करेंगे। मैंने इसमें ग्रीन चिली रेड चिली जो है मैंने वो ऐड की थी केचप की, तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऐड की थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मुझे इसे बनाकर इंस्टाग्राम पर इसकी तस्वीर ज़रूर भेजिएगा। आपकी झटपट जो है पिज़्ज़ा सॉस वो तैयार है।